हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारी नेक्स्ट बुक स्टार्ट ऑप्टिक्स की। जो हमारा फिजिक्स का पेपर सेकंड है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेम के लिए। जो हमारी फर्स्ट बुक है उसकी मैंने यूनिट फर्स्ट आपको स्टार्ट करवा रखी है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्टन 77 जो प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो बच्चों, जो हमारी ऑप्टिक्स की बुक है उसकी हम यूनिट थर्ड करेंगे। पहले यूनिट थर्ड क्यों करेंगे ये आप लोग देखिए। देखो ये देखो, जो हमारा सिलेबस है पेपर टू का, फिजिक्स का पेपर टू है ये ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो इसकी यूनिट फर्स्ट कौन सी है? फोरियर एनालाइजेशंस एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी यूनिट फर्स्ट है। सेकंड यूनिट क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। और थर्ड यूनिट क्या है? इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो बच्चों, जो फोरियर एनालाइजेशन और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ही ज्यादा नया टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। और जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ये भी थोड़ा नया ही है, थोड़ा मतलब फॉर्मुलेटिक है, इसमें ज्यादा याद करना पड़ेगा कुछ आपको। और यूनिट थर्ड क्या है? इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस जो कि आपने अपनी 12th क्लास में पढ़ रखा है, जिसमें आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ते हैं, वेव्स की फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, वेव फ्रंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब कुछ आप देखते हैं, ठीक है। तो हम यूनिट थर्ड पहले स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यूनिट थर्ड इजी पड़ेगी, आपको समझने में आसान रहेगा, क्योंकि जैसे हम इजी करेंगे पहले तो आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी जो बुक है हमारी फर्स्ट बुक है उसके हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है, ओके। देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरफेरेंस पढ़ेंगे लाइट का। इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है बताइए आप लोग। इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेयर करना, किसी दो बंदे बात कर रहे हैं या बहस कर रहे हैं तो उसके बीच में टांग अड़ाना, इंटरफेयर करना, ठीक है। क्या हो गया वहां पे? इंटरफेयर करना मतलब डेली लाइफ में हम इंटरफेयर का जो यूज करते हैं वो ये होता है। बट इंटरफेरेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंटरफेरेंस का मतलब होता है, इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है? इंटरफेरेंस का होता है जैसे ये एक वेव्स है और ये दूसरी वेव है, और जो ये इनका मीटिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस, ठीक है। जिस दो पॉइंट्स पे वो मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। मतलब जो उनका मीटिंग पॉइंट होता है, कोई भी दो वेव्स मीट कर रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको इंटरफेरेंस बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेशन दे रखी है इसने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, अब देखिए आप लोग इसने क्या बोला। व्हेन टू और मोर वेव ट्रेन्स ट्रैवलिंग इन अ मीडियम मीट और क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट देन दीज आर कॉल्ड इज सेड टू बी इंटरफेयर। इसने बोला कि भी कोई भी दो ट्रेन मूव कर रही है, जैसे कोई भी वेव्स ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, वेव्स ऐसे मूव करती है, ठीक है, सेकेंड वेव भी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो उसने बोला कि वहां पे जो भी उसका क्रॉसिंग आ रहा है या कोई भी मीटिंग पॉइंट आ रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? उसको इंटरफेयर बोल रहे हैं, ठीक है। उसको क्या बोल रहे हैं? उसका इंटरफेरेंस बोल रहे हैं, जहां पे भी वो इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। और जो इंटरफेरेंस होता है वेव्स का, रेफर टू देयर कंबाइंड इफेक्ट एंड द इफेक्ट ऑफ वन वेव एट अ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ एनी अदर, ठीक है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ वेव्स एट अ पॉइंट इज अ मीडियम इज कंबाइंड फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आपको इंटरफेयर का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इंटरफेयर क्या होता है। इसके मैं आपको नोट्स दूंगी, इस यूनिट के मैं आपको नोट्स दूंगी या मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे क्या लिखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग कर लेना नोट्स की, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। अगर बुक में से लिखना होगा तो मैं आपको बुक की फोटोज ही सेंड कर दूंगी, या वैसे दूसरे बुक में से लिखना होगा, क्योंकि शायद अब दूसरी बुक्स में से भी मैं देखूंगी कि उसमें अगर लैंग्वेज इजी होगी तो मैं आपको उस बुक की भी फोटो सेंड कर दूंगी। मतलब मैं दोनों में से देख लूंगी, जो आपको इजी लगेगा उसमें से हम कर लेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा क्लियरली। देखो बच्चों ये डायग्राम देखो, इसमें क्या है हमारे पास? इसमें एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। ये दो पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। ये भी सोर्सेज मान लो, कोई भी सोर्स मान लो जिसमें से वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ए है, इसमें से ऐसे वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। हमारा पॉइंट बी है तो इसमें से भी वेव्स क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये वेव्स क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। तो एक दूसरे को ये क्या कर रही है? कट कर रही है, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर रही है? ये कट कर रही है किसी पॉइंट पे। देखो यहाँ पे भी कट हो रहा है, यहाँ पे भी कट, यहाँ पे भी कट, और यहाँ पे भी ऐसे ही क्या हो रहा है? कट होते चल रहा है,
ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसका इंटरफेरेंस पॉइंट बन रहा है. क्या बन रहा है इसका इंटरफेरेंस पॉइंट. देखो इसमें, देखो इसने क्या बोला है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इसने बोला इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटरफेरेंस ऑफ वेव लेट अस कंसीडर टू पॉइंट्स ए एंड बी प्रोसीडिंग एग्जैक्टली सिमिलर सर्कुलर वेव्स. ठीक है, इसने क्या किया भाई, हमने दो सोर्सेज ले लिए जहां से क्या हो रही है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, द वेव्स प्रोड्यूस बाय ए एंड बी आर ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस. बच्चों ये बात आप हमेशा याद रखना कि जो ये वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है इंटरफेयर कर रही है. ठीक है, तो वो कोरेंट सोर्सेज से लेते हैं, हम क्या बोलते हैं उनको, कोरेंट सोर्सेज. कोरेंट सोर्सेज, कोरेंट सोर्सेज का मतलब क्या होता है, उनकी क्या होनी चाहिए, इक्वल एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम उनकी वेव लेंथ होनी चाहिए और उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए. या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए या फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए. मतलब या तो ये होगा कि उनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं होगा, और होगा भी तो क्या होगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा. तो ये बात आप हमेशा याद रखना. ठीक है, तो आपसे पूछते कि कोरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, तो कोरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, जिनमें सेम एम्पलीट्यूड होता है, सेम फ्रिक्वेंसी होती है और सेम वेवलेंथ होती है. ठीक, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है. तो इसने भी बोला ये दोनों सोर्स है भाई, इनका सेम एम्पलीट्यूड है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है इनके बीच में. व्हेन द वेव्स वॉज स्प्रेड, जब वेव्स ऐसे स्प्रेड्स हो रही है, ईच पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस एट अ गिवन टाइम इज अंडर द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेव्स. ठीक है, द पॉइंट रिप्रेजेंट बाय स्मॉल सर्कल इन द फिगर विल हैव मिनिमम डिस्प्लेसमेंट बिकॉज एट दीज पॉइंट्स द क्रिस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द थर्ड थ्रॉप ऑन द अदर वेव एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो. देखो बच्चों जैसे इसमें क्या बोल रहा है, जैसे ये है हमारे पास, ये वेव्स चल रही है, ठीक है, और ये भी सेकेंड वेव्स है. टू टाइप्स के इंटरफेरेंस होते हैं, एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, तो आप यहां से समझो आप वो बात. देखो इसने क्या बोला, ये वेव्स है एक, ठीक है, ये भी एक वेव्स है. अब जो देखो, ये वेव्स जब इस वेव्स के ऊपर ऐसे एज इट इज जाएगी, मतलब जैसे हमारे पास ये वेव्स है, इसके ऊपर ये एज इट इज ऐसे ही जा रही है, या थोड़ा बहुत मतलब ऐसे चीना मीना फर्क पड़ सकता है, मतलब ठीक है. अब जैसे ये इंटरफेयर कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, ये इंटरफेयर कर रही है, मतलब ये जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर के पार्ट से ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारी वेव्स होगी वो कंस्ट्रक्टिव बनेगी. हमारी वेव्स उससे क्या बनती है, कंस्ट्रक्टिव बनती है. जब क्रस्ट पार्ट का क्रस्ट से मिलता है, ऊपर वाला भाग क्या मिलता है, ऊपर वाले भाग से ही मिलता है वेव्स का, तो उसको कंस्ट्रक्टिव वेव्स हम बोलते हैं. कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना. कंस्ट्रक्ट का मतलब किसी चीज को बनाना ऐसे ही होता है ना. तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, जब वेव्स की जो वेव्स है वो एक दूसरे के ऊपर रहती है, मतलब जो ऊपर का पार्ट है वो ऊपर से ही रहेगा, क्रस्ट क्रस्ट से रहेगा, क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ जाएगा. मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है. कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है. ठीक है, उसके बाद में जैसे ये है डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, जब ये वाली वेव्स को हम ऐसा अपोजिट करेंगे, ठीक है, इस वाली वेव्स को हम करेंगे ऐसे अपोजिट कर दिया ऐसे, तो ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया ये, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब हमारे पास जो लास्ट का जो हमारे पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमको जीरो मिल जाएगा रिजल्ट. तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं. तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब आपको समझ आ गया होगा. कंस्ट्रक्टिव मतलब जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव मतलब जिसमें डिक्रीमेंट हो रहा है. डी से डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा और डी से डिक्रीमेंट हो जाता है. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आपको मतलब समझ आ गया होगा. आप यहाँ से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं उसका. ठीक है, तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन था बस आज की वीडियो में, हम इतना ही करते हैं. हमको पता चल गया वेव्स क्या होती है, वेव्स में कैसे कैसे वो मतलब डिस्ट्रक्टिव होती है और कंस्ट्रक्टिव होती है. ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि वीडियो को, कुछ भी कर देना भाई. ठीक है, बाय.